नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है चैनल पे। आज हम सुबह सुबह प्लान कर रहे हैं कि मॉर्निंग ड्राइव करी जाए जिम कॉर्बेट के एरिया में। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, ठंडी बहुत है एज यूजुअल, और जंगल का माहौल है तो और ज़्यादा ठंडा होता है। देखते रहिए वीडियो, मज़ा आने वाला है आपको। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्ट फॉर मॉर्निंग। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। सुबह सुबह शायद भाई लोग कुछ मिल जाए हमको, तो इसी उम्मीद में सब लोग देखेगा कुछ क्या होता है। अभी देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है दूर दूर तक का। हाँ तो फ्रेंड्स, हम केएमवीएन से निकल चुके हैं वुहान। हम सुंदरगाल की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले धनगढ़ी गेट आएगा। यहाँ पे नॉर्मली काफ़ी मूवमेंट रहता है मॉर्निंग में एनिमल्स का। सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, तो होपफुली कुछ हमें भी दिख जाए अच्छे व्यूज़। इधर अभी बताया था लेटली, इधर हाथी का एक मूवमेंट है, अकेला हाथी है, काफ़ी एग्रेसिव है। जो फॉरेस्ट वॉक किए हैं उन लोग ने हमको अलर्ट किया था कि थोड़ा संभल के जाइएगा, लोगों पे अटैक भी कर रहा है वो। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि अपने नॉर्मल मूवमेंट के हिसाब से वो नदी से निकल के जंगल की साइड ऊपर की तरफ निकल गया है पहाड़ों में। हम देखते हैं, हाथी से लगता तो सबको डर ही है बिकॉज काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। अगर दूर से दिखेगा तो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। ठंड का टाइम भी है तो कई बार एनिमल्स थोड़ा समय लेते हैं मॉर्निंग में। ठंड के टाइम पे धूप जब आती है तो उस टाइम पे निकलते, जल्दी कोई नहीं है। हम अपने टाइम पे, बस जानवरों के टाइम से मैच होना चाहिए, बाकी ड्राइव शुड बी गुड। एकदम क्लीन, एकदम प्योर एनवायरनमेंट है, फ्रेश एयर, वो ही एकदम आपको हेल्प करती है, दिमाग एकदम शांत कर देती है। लेट अस सी क्या मिलता है। एटलीस्ट ड्राइव तो बहुत सुंदर है, आप लोग शायद इंजॉय कर पाए। अभी हम करीब धानगढ़ी गेट क्रॉस किया है हमने, जिम कॉर्बेट ढिकाला का जो मेन गेट है, और सुबह सुबह सूर्य देवता के भी दर्शन हो गए हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर अप हुआ है, थोड़ा बेटर है, करीब आधा पौना घंटा से ऊपर हो गया है हमको घूमते हुए। तो ये बिल्कुल सामने वाला सेक्शन है, सुंदरगाल की तरफ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे फेंसिंग वगैरह लगी है, इधर की साइड पे डियर्स लोग लाइट्स भी देखे देखने लगे हैं, लोगों का मूवमेंट भी शुरू हो गया है। अभी यहाँ पे डियर्स वगैरह कॉमनली दिख जाते हैं, आस पास देखेंगे। वैसे जंगल में शांति है, प्रीडेटर का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। बाग बाग के साथ दिक्कत है ना। शेर दिखता है वहां गए उन लोगों ने, एक छोटा सा एरिया, 2-3 किलोमीटर का भी नहीं, उससे भी छोटा एरिया वो बनाया हुआ है पूरा इंक्लोज करके, और अंदर शेर रखे हुए हैं उनके लिए, वो बनाए हुए हैं रहने का। पोज दे रहे हैं, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं। बाघ आया था इधर, बाघ
बता रहा है उधर भी लोगों को लेसन जाना चाहिए कि भाई पॉलिथीन ना फेंके हैं वैसे। ये देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का हाल, जानवर मजबूर है, जानवर जो है वो पॉलिथीन जो इंसानों ने फेंके हुए हैं वो खा रहे हैं। ये वाइल्ड डियर है, हाँ कुरकुरे का पैकेट, जो कि बहुत ही खराब बात है भाई। आने वाले सभी से रिक्वेस्ट है कि यार ऐसे काम ना करो, ये काम मत किया करो, अपना कूड़ा साथ रखो, कहीं डस्टबिन में डालो। क्या चाहते हो मतलब समझ नहीं आता, अपना कूड़ा मैंने नहीं कर सकते तो प्लीज आना बंद करो। जितने भी वाइल्ड लाइफ के चाहने वाले हैं दोस्तों, इसको प्लीज शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, उनको अवेयरनेस आए, और ये वाइल्ड लाइफ वाले भी थोड़े इसके ऊपर एक्शन लें, कुछ स्ट्रिक्ट हों। वो एक्चुअली करते हैं बेचारे, लेकिन पूरे हफ्ते जो लोग आते जाते हैं वो गंदगी मचाते हैं, फिर उनमें उनकी क्या गलती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो सफाई करता है। तो फ्रेंड्स अभी तो थोड़ा सा ड्राइव करी थी, इसके बाद हमारा प्लान है कि थोड़ा ब्रेक लेके हम आगे एक जगह है रानीखेत रोड पे खुमेरिया करके, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ निकलते हैं। ये रास्ता खुमेरिया का, जहाँ से हम नीचे रिवर कोसी रिवर की साइड जा सकते हैं। थोड़ा सा अलूफ है, डेंजरस भी बोल सकते हैं, बिकॉज लोक लाइट्स भी यहाँ पे कम जाते हैं। ऊपर पहाड़ से खुमेरिया के गांव की तरफ पीछे रास्ता निकलता है टूवर्ड्स दी कोसी रिवर। अभी हमने सोचा कि एक बार वहाँ भी व्यू कराना है, थोड़ा सा डर का एक्सपीरियंस लिया जाए। काफ़ी नैरो रोड है, काफ़ी पतला रास्ता है, लेकिन इंटरेस्टिंग ड्राइव है। उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है, तो कभी भी आए तो संभल के चलें, आराम से चलें। व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं आगे, सुना है कि आगे रिवर पे पीछे की तरफ क्रोकोडाइल्स भी हैं, यहाँ पे शायद ही मिले, बट एक अटेम्प्ट है, लेटे थी कुछ दिख पाता है, एटलीस्ट व्यूज़ तो बहुत सुंदर हैं। जो भी विजिट के एक्सपीरियंस है हमारे, अब की बार उसको कैप्चर करते हैं, देखिएगा बताएगा। बारिश के सीज़न में तो ये नदी काफ़ी ओवर फ्लो होती है, यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी क्योंकि ठंड है तो पानी पीछे से ही सूख जाता है, जम जाता है, कम फ्लो आती है पानी की। बस बराज वगैरह बने हैं अपर हिल्स में, वहाँ पे भी पानी को रोक दिया जाता है, बहुत लिमिटेड स्ट्रीम्स आती हैं। अच्छा पॉइंट है, बट थोड़ा केयरफुल रहने वाले। इन्जॉय कीजिए वीडियो रिवर क्रॉसिंग की और वहाँ के आसपास के वाइल्ड लाइफ की। यहाँ ड्रोन से कैमरे से फोटोग्राफी, शराब पीना गंदे, अच्छा हम नहीं पी रहे, ड्रोन नहीं हमारे पास। भाई कोई पीछे डैम से पानी मत छोड़ देना एकदम से। ये वही बिंदुवासिनी वाली फीलिंग आ गई। हाँ मैं वही कह रहा था, फीलिंग आ रही है।
बढ़िया बैठी हुई है, ये ना फोटो वो पत्थर पे बैठी बीच में दिखेगी। तो फ्रेंड्स आई होप ये जगह आपको अच्छी लगी होगी, व्यूज़ बहुत अच्छे थे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार। पानी देखिएगा कितना क्लीन है, वाइल्ड लाइफ छोटी छोटी आसपास बर्ड्स और मंकी काफ़ी थे। अब समय आ गया यहाँ से वापस जाने का, तो वी आर हेडिंग बैक, वापस अपने रिजॉर्ट जा रहे हैं। फिर कोशिश करेंगे एक और ड्राइव या एक्सपीरियंस लेके आएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।